अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, टुडे आई एम हेयर विद अनदर जनरल टॉपिक ऑफ सोशियोलॉजी, दैट इज़ कम्युनिटी। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ कम्युनिटी और क्या कौन कौन से फीचर्स होते हैं कम्युनिटी के और क्या क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं और क्या क्या टाइप्स हैं। जो कम्युनिटी के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि 2023 के जो CSS का सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम था उनमें भी उन्होंने किसी ना किसी तरह से कम्युनिटी के हवाले से पूछा हुआ था। सो इसलिए जो है ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। और इसके अलावा 2023 का जो पेपर था उसके अलावा भी जितने पेपर्स आ चुके हैं अभी तक CSS के, उसमें प्रीवेलेंट है ये कम्युनिटी का क्वेश्चन। तो इसलिए जो है इस टॉपिक को हम इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ कम्युनिटी। पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कम्युनिटी इन जनरल। ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम इंटरेस्ट, ठीक है, सम कॉमन गोल्स एंड वैल्यूड लाइफ। ठीक है, हमें पता है कि जो कम्युनिटी है वो क्या होती है। कम्युनिटी बेसिकली क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल दो शेयरिंग सेम इंटरेस्ट, जिनके कुछ सेम इंटरेस्ट होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो वो टूवर्ड्स दो सेम गोल्स की तरफ जाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, एक कम्युनिटी डिवेलप हो जाती है। कम्युनिटी जब डिवेलप होती है तो उससे हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ लाइफ। यू नो ऑब्वियसली जब कम्युनिटी डिवेलप होती है तो गोल्स जो है लोग अपने ओरिएंट करते हैं व्हाइल लिविंग इन अ कम्युनिटी, तो उसकी जिस गोल की तरफ वो जाते हैं तो उसी की वजह से क्या होती है, वो अपनी लाइफ को वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली हमें पता है कि विदाउट अ गोल अ लाइफ इज़ नॉट वैल्यूड। जब तक किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है तब तक वो बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ सोशियोलॉजिस्ट की डेफिनेशन अबाउट कम्युनिटी। अ स्मॉल टेस्टिमोनियल ग्रुप दैट हैज़ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ, दैट इज़ किंग्सले डेविस। उसके बाद है बर्गराडेस, इन्होंने कहा अ सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन एन एरिया। उसके बाद एक हमारे पास है मैनहिम, ये कहते हैं अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर एंड बॉन्ड टुगेदर इन एन एरिया एंड नॉट ओनली शेयर दिस और दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट बट अ होल लॉट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप इनको देख लेते हैं कि बेसिकली इन्होंने कहा क्या है। जो किंग्सले डेविस है इन्होंने कहा कि जो कम्युनिटी है वो बेशक एक स्मॉल ग्रुप होता है लेकिन सोसाइटी की हर क्वालिटी उसके अंदर प्रीवेल कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद बर्गराडेस ने ये कहा कि जो सोशल ग्रुप होता है दैट कंटेन्स अ डिग्री ऑफ वी फीलिंग, मतलब उनके अंदर जो है इंटरेक्टिव वी फीलिंग पाई जाती है क्योंकि वो एक दूसरे को ऑन करते हैं बिकॉज दे शेयर द सेम वैल्यूज़ एंड सेम गोल्स एंड इंटरेस्ट। उसके बाद जो मैनहिम का कहना था कि जो ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ कम्युनिटी होते हैं दे डो नॉट शेयर दिस और दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट, कुछ जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है सिर्फ वही शेयर नहीं करते बट जो उनकी ऑब्वियसली सेम माइंडसेट के लोग होते हैं तो उनकी ज़िंदगी के जितने भी इंटरेस्ट होते हैं दे आर मोस्ट प्रोबेबली आर सेम। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी होगी तो उसमें लोग होंगे, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। उसके बाद जब लोग आपस में मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनके गोल सेम होते हैं तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। उसके बाद इनके दरमियान कम्युनिकेशन होती है। ऑब्वियसली जब ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे होंगे तो वो किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, वो किसी कम्युनिकेशन के मीन के ज़रिए इंटरेक्ट करेंगे, तो दैट कम्युनिकेशन नीड टू बी देयर। उसके बाद है गोल्स एंड पर्पस। कम्युनिटी तभी डिवेलप होती है जब कोई यू नो शेयर्ड गोल्स और पर्पजेज हों विद इन अ ग्रुप ऑफ पीपल। उसके बाद इनके कुछ रिसोर्सेज होते हैं, शेयर्ड रिसोर्सेज, उसके अलावा इनकी बाउंड्रीज होती हैं और इनकी वैल्यूज़ भी सेम होती है। अब हम देखते हैं कि आजकल के ज़माने में जो है वर्चुअल कम्युनिटीज़ भी बन रही हैं, जैसे कि व्हाट्सएप की कम्युनिटीज़, आप अपने एजुकेशन क्लास की जो होती है उसकी कम्युनिटी बन जाती है, तो उनमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, हमें पता है, उसमें एक इंस्टीट्यूशन होता है, वो एजुकेशन को उन्होंने प्रिवेल करवाना होता है। उसके बाद कम्युनिकेशन होती है, वर्चुअली हो बेशक लेकिन होती तो है, गोल पर्पस होता है, उन्होंने कुछ ना कुछ अचीव करना होता है, उनके कुछ रिसोर्सेज होते हैं, वो स्टडी मटेरियल हम रिसोर्सेज कंसीडर कर सकते हैं, उनकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं, उन्हें विद इन सम बाउंड्रीज रहते हुए अपने पर्पस को अचीव करना होता है, और उनकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, उस पर्टिकुलर वर्चुअल कम्युनिटी में भी कुछ वैल्यूज़ यू नो होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं टाइप ऑफ कम्युनिटीज़ की तरफ। टाइप ऑफ कम्युनिटीज़ जो मोस्ट यू नो कॉमन है और जो बहुत ही वाइडन है, दीज आर रूरल कम्युनिटी एंड अर्बन कम्युनिटी। हम देखते हैं कि रूरल कम्युनिटी को हम कैटेगराइज करते हैं थ्रू लो इनकम एग्रीकल्चर से, और यहाँ पे जो है लेस देन 25,000 पीपल रहते हैं, और इसके बाद सराउंडिंग ऑफ डाउनटाउन, ये डाउनटाउन का एरिया होता है, एनीथिंग दैट इज़ आउटसाइड द डाउनटाउन सिटीज़ उसको हम रूरल कम्युनिटी कंसीडर करते हैं। दैट कैन बी अ कम्युनिटी विद इन अ फॉरेस्ट, इन अ प्लेन एरिया और इन अ डेजर्ट। ठीक है, उसके अलावा जो रूरल कम्युनिटी की और करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें ये आता है कि वहाँ पे जो है एक्सटेंडेड फैमिलीज पाई जाती हैं, उसके अलावा सोशल मोबिलिटी कम होती है,
उसके अलावा जो है वहाँ पे फैमिली वैल्यूज़ हाई होती हैं, और उसके अलावा जो है एंडोगेमी का वहाँ पे रूल होता है, कास्ट का रूल होता है, और एजुकेशन कम होती है, उसके बाद सोशल इंटरेक्शन भी वहाँ पे कम होती है, और मॉडर्नाइजेशन भी कम होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अर्बन कम्युनिटी क्या है। द सेंट्रल प्लेस इन अ कंट्री बिजी करेक्टराइज्ड बाय हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब हमें पता है कि जो अर्बन कम्युनिटी है, इट्स अ कम्युनिटी लिविंग इन अ डाउनटाउन एरिया। ठीक है, किसी भी कंट्री का जो डाउनटाउन एरिया होता है, ये कम्युनिटी वहाँ पे रहती होती है, डाउनटाउन में रहती है। तो इसकी वजह से जो इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये होती हैं कि यहाँ में ये एजुकेशन के जो रेट है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये मॉडर्नाइज होती है, इंडस्ट्रियलाइज होती है। यहाँ पर मॉडर्नाइज और इंडस्ट्रियलाइज होने की वजह से जो है क्राइम रेट भी हाई होता है। इसके अलावा यहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी ज़्यादा होती है, एजुकेशन रेट भी ज़्यादा होता है, और इसके अलावा यहाँ पे सोशल मोबिलिटी भी ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो है कंजुगल फैमिलीज पाई जाती हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ का रोल नहीं होता, और एक्सोगैमी और एंडोगैमी यानी कि एंडोगैमी को ज़्यादा पर्पसफुली यू नो अडॉप्ट नहीं किया जाता, बल्कि एक्सोगैमी भी यहाँ पे प्रीवेल करती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी, व्हाट इज़ रूरल एंड अर्बन कन्वर्जेंस। ये मैंने एक डायग्राम से आपको इलस्ट्रेट किया है। ये देखें, ये रूरल एरिया और ये अर्बन एरिया, जब जो चीज़ इनमें सिमिलैरिटी पाई जाती है, जो कि सिमिलैरिटी इनमें आपस में बढ़ रही है, तो दैट वी कैन कॉल्ड एज रूरल एंड अर्बन कन्वर्जेंस। सिमिलैरिटी दोज आर इंक्रीजिंग। ठीक है, जैसे हमें पता है कि अब ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, ड्यू टू डिवेलपमेंट, ड्यू टू द प्रिवेलेंस ऑफ मैस मीडिया एंड सोशल मीडिया, तो उससे क्या हो रहा है, जो अवेयरनेस है वो रूरल एरियाज़ में भी बढ़ रही है। तो वहाँ पर जिस तरह से अर्बन एरियाज़ में इंटरनेट की प्रिवेलेंस है, रूरल एरियाज़ में भी है। ट्रांसपोर्टेशन ऑलमोस्ट सेम होती जा रही है। उसके अलावा मैस मीडिया और सोशल मीडिया की वजह से क्या हो रहा है, डिवेलपमेंट, वो लोग डिवेलपमेंट जो है डिमांड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस बढ़ रही है। उसके बाद हम देखते हैं, व्हाट इज़ अर्बन स्प्रॉलिंग। दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निकल टॉपिक इन दिस, यू नो, टेक्निकल सब टॉपिक इन दिस मेजर टॉपिक। सो हम देखते हैं, सराउंडिंग ऑफ द अर्बन एरियाज़ इन गल्फिंग एग्रीकल्चर डिफ़िकल्टी फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स, दैट इज़ बहरिया एंड रुतबा। ओके, सो हम देखते हैं कि जो अर्बन स्प्रॉलिंग है वो क्या है। जो लोग हैं, क्योंकि जो अर्बन कम्युनिटीज़ है, दैट आर बिकमिंग यू नो पॉपुलेटेड एंड मच बिजी, तो इसकी वजह से जो लोग हैं इन द सर्च ऑफ पीस, वो क्या कर रहे हैं, जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं अर्बन अर्बन एरियाज़ के, वहाँ पे जाके अपनी रेजिडेंसी बनाना शुरू कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो किसी भी डाउनटाउन का सराउंडिंग एरिया होता है, वहाँ पे मोस्टली एग्रीकल्चर पाया जाता है, तो उसकी वजह से वो एग्रीकल्चर जो है वो इंगल्फ हो रहा है। और इसके अलावा, क्योंकि ये जो अर्बन स्प्रॉलिंग के प्रोसेस है, जो आउटलाइन एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है रेजिडेंसी शुरू हो रही हैं, तो उसकी वजह से जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए डिफ़िकल्टी हो रही है, वो किस तरह से डाउनटाउन से हट के दूर दूर इलाकों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। इसकी एक एग्जांपल, मेरे पास दो एग्जांपल्स हैं। एक तो है बहरिया टाउन, जैसे हमें पता है कि अर्बन एरिया तो है, पर ये अर्बन कम्युनिटी से लाहौर से ज़रा हटके है, रायवंड की साइड पे ही है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे अर्बन स्प्रॉलिंग में। और इसके अलावा एक रुतबा है, दैट इज़ रावी अर्बन डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये भी जो है ये इमरान खान के जो प्रेजिडेंशियल प्राइम मिनिस्टर एरिया था, एरा था, उस दौर में ये बनने की कोशिश हुई थी, तो अब ये बन नहीं सका। इसमें भी कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ रही थी कि वहाँ के लोग कह रहे थे कि ये यहाँ का एग्रीकल्चर एरिया इनगल्फ कर रहा है, तो बेसिकली अर्बन स्प्रॉलिंग की ही एक एग्जाम्पल है। तो पीपल, जो नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज़ फ्यूचर ऑफ सिटीज़। ये क्वेश्चन एक दफ़ा CSS के एग्जाम में पूछा गया था, सो दैट्स वाई आई मैंशनड हेयर कि फ्यूचर सिटीज़ का क्या होगा इन पाकिस्तान। तो हम देखते हैं कि वट इज़ द फ्यूचर। ऑब्वियसली हमें पता है कि क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन की जो मिनिस्ट्री है उसको ख़त्म कर दिया गया, और पॉपुलेशन मैनेजमेंट ज़ीरो है पाकिस्तान में, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, दैट इज़ अ श्योर शॉर्ट फैक्ट। उसके बाद यहाँ पे हसल एंड बसल इंक्रीज़ हो जाएगी सिटीज़ में, क्योंकि लोग जो है अर्बन से, रूरल से अर्बन की तरफ आ रहे हैं। उसके अलावा पोल्यूशन इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑब्वियसली हमें पता है कि पाकिस्तान की जो है लाहौर जो है वो 2022 में जो है नंबर वन पोल्यूटेड सिटी रह चुका है, तो यहाँ पे पोल्यूशन जो है और इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगी, रूरल और माइग्रेशन बढ़ेगी, तो उसकी वजह से लोग ज़्यादा यहाँ पे आके रहना शुरू हो जाएंगे। और जब ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा यूज़ ऑफ़ फॉसिल फ्यूल होगा, और जब ज़्यादा यूज़ ऑफ़ फॉसिल फ्यूल होगा तो ऑब्वियसली पोल्यूशन बढ़ेगा। उसके अलावा कंजेस्टेड हो जाएगी, दैट्स अफेक्ट, क्योंकि एरिया तो बढ़ने नहीं वाला पाकिस्तान का, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है मुसलसल, तो उसकी वजह से कंजेस्टेड और मॉडर्नाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन का रेट स्लोली एंड स्टेडली बढ़ रहा है, तो मॉडर्नाइजेशन आएगी सिटीज़ में। उसके अलावा सफोकेटेड हो जाएगी, कंजेस्टेड होगी, तो दैट्स डायरेक्टली अफेक्ट द सफोकेशन। उसके बाद वर्टिकल डेवलपमेंट होगी, ऑब्वियसली जब लोग यहाँ पे यू नो
लोग यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे सिटीज़ में, पाकिस्तान की सिटीज़ में, तो जगह की तंगी की वजह से वर्टिकल डेवलपमेंट की तरफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज जाएंगी। उसके अलावा बर्डन जो है वो बढ़ जाएगा गवर्नमेंट पे, मैनेजमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी गवर्नमेंट पे, और ये जो है क्या है, एक थ्रेट के तौर पर गवर्नमेंट को लेना चाहिए और अभी से ही गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम कर देना शुरू कर देना चाहिए, सो दैट कि जो ये सिटीज़ का फ्यूचर हो दैट कैन बी प्लान्ड, वो इस तरह से अनप्लान्ड हसल बसल ना हो। ठीक है, सो पीपल दैट्स इट फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कम्युनिटी, होपफुली दिस विल एड वैल्यू टू योर नॉलेज। अगर आपको लगे कि मुझे किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनानी चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, योर रिकमेंडेशंस विल बी अप्रिशिएटेड। जज़ाकुमुल्लाहु खैर फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।